फार्मा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के टॉपिक लोकल एनेस्थेटिक्स से एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस को इस तरीके से डिस्कस करेंगे जिससे कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक का एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर अवश्य दें। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज टॉपिक इज लोकल एनेस्थेटिक्स आर एक्ट बाई ऑप्शन ए अफेक्टिंग सोडियम चैनल, ऑप्शन बी अफेक्टिंग पोटेशियम चैनल, ऑप्शन सी अफेक्टिंग कैल्शियम चैनल एंड ऑप्शन डी अफेक्टिंग एट स्पाइनल लेवल। तो फ्रेंड्स, इनमें से क्या आंसर राइट होगा? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज लोकल एनेस्थेटिक्स आर एक्ट बाई अफेक्टिंग सोडियम चैनल। फ्रेंड्स, लोकल एनेस्थेटिक एक्टिवेटेड स्टेट में जो भी सोडियम चैनल होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एमाइड टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स इज ऑप्शन ए बेंजोकेन, ऑप्शन बी प्रोकेन, ऑप्शन सी लिग्नोकेन एंड ऑप्शन डी कोकेन। तो फ्रेंड्स, इनमें से एमाइड टाइप का लोकल एनेस्थेटिक का एग्जाम्पल कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज लिग्नोकेन। फ्रेंड्स, अगर हम लोकल एनेस्थेटिक्स को क्लासिफाई करें तो ये 2 टाइप्स का होते हैं, फर्स्ट इस्टर टाइप एंड सेकेंड एमाइड टाइप। इस्टर टाइप के एग्जाम्पल है बेंजोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन, कोकेन एंड क्लोरप्रोकेन, जबकि एमाइड टाइप के एग्जाम्पल हैं लिग्नोकेन, प्राइलोकेन, बुपिवेकेन, डिबुकेन एंड रोपिवाकेन। फ्रेंड्स, प्रोलोंगेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज डन बाई वेसो कंस्ट्रिक्टर लाइक एपिनेफ्रिन और एड्रिनलिन। अगर हमें किसी लोकल एनेस्थेटिक के एक्शन को प्रोलोंग करना है तो हम एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन का यूज़ करते हैं, और अगर हमें किसी लोकल एनेस्थेटिक का फास्ट एक्शन चाहिए हो तो हम उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ कर सकते हैं। यानी फास्ट एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज डन बाई एडिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। टिक द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग लोकल एनेस्थेटिक एंड देयर यूज। ऑप्शन ए कॉर्नियल एनेस्थीसिया और टोनोमेट्री में बेनोक्सिनेट का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी सोर थ्रोट में बेंजोकेन का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी यूरिथ्रल कैथेटराइजेशन में लिडोकेन का यूज़ किया जाता है एंड ऑप्शन डी नन। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज नन। यानी ऑप्शन ए बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। इसके अलावा हम कुछ अदर्स यूज देखें तो इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया जिसे हम बोलते हैं बियर्स ब्लॉक, उसमें प्राइलोकेन इज ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, इसमें प्रोकेन इज लोकल एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस। और नेक्स्ट, गैस्ट्राइटिस, इसमें अपन ऑक्सीथाजेन को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द मोस्ट पोटेंट एंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट इज ऑप्शन ए डिबुकेन, ऑप्शन बी टेट्राकेन, ऑप्शन सी बुपिवेकेन एंड ऑप्शन डी लिग्नोकेन। तो फ्रेंड्स, सबसे पोटेंट, सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा होगा? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज डिबुकेन। फ्रेंड्स, डिबुकेन इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग, मोस्ट पोटेंट एंड मोस्ट टॉक्सिक लोकल एनेस्थेटिक। इसी तरीके से हम देखें फ्रेंड्स, क्लोरप्रोकेन इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक। यानी डिबुकेन तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग होगा और क्लोरप्रोकेन शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ऑल आर ट्रू अबाउट बुपिवेकेन एक्सेप्ट ऑप्शन ए ड्यूरेशन इंक्रीजेज विथ एड्रेनलिन, ऑप्शन बी दीज आर लॉन्ग एक्टिंग, ऑप्शन सी कैन नॉट गिवन इन वेन एंड ऑप्शन डी लेस कार्डियोटॉक्सिक देन लिग्नोकेन। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है बुपिवेकेन के लिए? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स, बुपिवेकेन आर मोर कार्डियोटॉक्सिक देन लिग्नोकेन। अगर हम मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की बात करेंगे तो वो बुपिवेकेन ही होगा। सो इट इज़ नेवर गिवन
आईवी, इसलिए इसको हम इंट्रावेनस कभी भी नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मिथेमोग्लोबिनीमिया इज कॉज्ड बाय लोकल एनेस्थेटिक, यानी इनमें से कौन से लोकल एनेस्थेटिक की वजह से मिथेमोग्लोबिनीमिया होता है? ऑप्शन ए प्राइलोकेन, ऑप्शन बी प्रोकेन, ऑप्शन सी रोपिवाकेन एंड ऑप्शन डी एटिडोकेन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्राइलोकेन। फ्रेंड्स मिथेमोग्लोबिनीमिया इज ड्यू टू द मेटाबोलाइट ऑफ प्राइलोकेन, दैट इज ऑर्थोलिटोल्यूडिन, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये हीमोग्लोबिन को मिथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि मिथेमोग्लोबिनीमिया हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ए लोकल एनेस्थेटिक विज रेजेज ब्लड प्रेशर इंस्टेड ऑफ फॉल इज, ऑप्शन ए कोकेन, ऑप्शन बी डिबुकेन, ऑप्शन सी प्रोकेन एंड ऑप्शन डी लिग्नोकेन। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है जो ब्लड प्रेशर को घटाने के बजाय उसको बढ़ा देता है? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज कोकेन। फ्रेंड्स ऑल लोकल एनेस्थेटिक डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर एक्सेप्ट कोकेन। कोकेन ही एक ऐसा लोकल एनेस्थेटिक है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, बाकी सारे के सारे लोकल एनेस्थेटिक बीपी को घटाते हैं। कोकेन इनहिबिट द री अपटेक ऑफ कैटेकोलामिन एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये कैटेकोलामिन यानी एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन इनके री अपटेक को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक यूज्ड क्लिनिकली वाज, ऑप्शन ए लिडोकेन, ऑप्शन बी बुपिवेकेन, ऑप्शन सी प्रोकेन एंड ऑप्शन डी कोकेन। तो फ्रेंड्स इनमें से फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक कौन सा था जो क्लिनिकली यूज किया गया था? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज कोकेन। फ्रेंड्स फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक यूज्ड क्लिनिकली वाज कोकेन एंड इट इज यूज्ड बाय कार्ल कोलर। तो फ्रेंड्स अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का। द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन ए कीटामिन, ऑप्शन बी फेंटेनिल, ऑप्शन सी प्रोपोफोल एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। आपका एक कमेंट या एक लाइक हमारे अंदर एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापत आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।